बहुत अच्छी है। अच्छा, और माधुरी जी आपके लिए सरप्राइज थी? हाँ, बहुत सरप्राइज थी उनको तो। अरे देखने के लिए कभी भी उनका जो पहली मूवी देखो, अभी का मूवी सब अच्छा है, जितना भी सब अच्छा है। और क्या कहते हैं माधुरी जी का तो, विद्या जी और माधुरी जी का डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सुपर, दोनों अच्छा किए। कार्तिक जी तो भी अच्छे है, वो कॉमेडी उनकी अच्छी थी, हर चीज अच्छी थी, लेकिन पिक्चर धमाल है भाई। पिक्चर देखने आओ, मैं ही बोलूंगा सबको भाई, भाई बहुत अच्छी मूवी। 5 में से 5 में दूंगा। अच्छी लगी फिल्म, और गाने भी बहुत अच्छे हैं, और फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी, एंटरटेनमेंट है। माधुरी जी अच्छी अच्छी है। हाँ, इंटरवल पॉइंट में माधुरी दीक्षित जो आई है, अच्छा लगा। ऐसा लगा क्या होगा अब क्या नहीं। विद्या जी और माधुरी दीक्षित का डांस सुपर। वो एक फिल्म आई थी जो उनका माधुरी का सेम वही एंगल लग रहा था फिल्म में। अच्छा, और कार्तिक आर्यन और इनकी केमिस्ट्री तृप्ति डिमरी की सुपर, एकदम फ्रेश, ऐसा लगा फ्रेशनेस लग रहा है तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन। ओके, एट द एंड कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 स्टार। तो आप अभी भूलभुलैया देखिए आई है, आपको कैसी लगी है फिल्म? एकदम मस्त लगी है, एकदम अलग लगी है, मतलब बहुत ही। हम लोग ने स्टार्टिंग भी देखे थे दो, और ये जो है ये तो एकदम ही मस्त है, जिसमें जो विद्या बालन जी है और माधुरी दीक्षित जो, वो एकदम मस्त है। अच्छा, कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप? 5। थैंक यू। बहुत बहुत अमेजिंग थी, बहुत प्यारा था, और स्पेशली जो एंडिंग थी वो ज़्यादा बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमेशा वो ड्रामेटिक एंडिंग होती थी, और इस बार जो है बहुत सॉफ्ट और इमोशनल एंडिंग दी गई है। और जो सोसाइटी के लिए जो उसमें मैसेज दिया है वो भी बहुत प्यारा है। और इसमें कार्तिक आर्यन की डबल रोल है, द सेकंड रोल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही प्लेड इट वेरी वेरी ब्यूटीफुली। ओके, और कॉमेडी पार्ट तो बहुत अच्छा था, और माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का डांस सुपर्ब था। द आइकॉनिक सॉन्ग आमिजे तुम्हार मेरी सारी सीरीज बहुत फेवरेट है। कार्तिक और दीप्ति की केमिस्ट्री कैसी लगी? बहुत प्यारी थी, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने प्ले किया है, बहुत अच्छे से था। कॉमेडी और हॉरर ये दोनों चीज़ें बैलेंस हुई थी ये फिल्म में? यस, परफेक्टली। एक्चुअली ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हॉरर होती है ना तो फिर देखा नहीं जाता है, उसमें कॉमेडी होती है ना तो फिर मिक्सअप तो हो जाता है देखने के लिए। कितना स्टार्स देना चाहेंगे? 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप भूलभुलैया देख के आए, आप कैसी लगी ये फिल्म? बहुत अच्छी लगी, बहुत कॉमेडी, बहुत अच्छी। अच्छा, सब लोग तृप्ति डिमरी के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन की केमिस्ट्री कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत। और विद्या बालन और माधुरी दीक्षित? वो लोग तो और ही बहुत अच्छे। उनका गाना कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग। और आखिरी में उन्होंने कुछ मैसेज दिया है? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एंड का सीन ही बहुत अच्छा लगा। वो लोग ने अब जब अपनी स्टोरी बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अक्षय कुमार का कैमियो भी है इसमें, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ग्रेट। और ओवरऑल कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 10। ओके, तो अभी आप भूलभुलैया देख के आए हो, आपको कैसी लगी है फिल्म? वेल, भूलभुलैया अच्छी लगी। भूलभुलैया 3 वॉज बेटर देन द सेकेंड पार्ट इन माई ओपिनियन। ओवरऑल एक्टिंग का इम्पैक्ट आया था, हंसी मजाक था, जोक्स हिट हुए थे, जहाँ पे इमोशनल सीन्स आए थे वहाँ पे भी फील हुआ था इमोशन, एंड और ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है स्क्रिप्ट में। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत वो फील होगा, उससे स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूँगा मैं, बट येस लाइक मज़े आए थे। समवेयर और द अदर आई फील इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, लाइक मे बी आई फील इमोशन का स्विच बहुत जल्दी हो रहा था, जल्दी हो रहा था। लाइक एक टाइम पे आपको फील होना चाहिए था, आपको रोना था, बट सडनली एक जोक आ गया, कभी बीच में हंसी आ रही थी, फिर इन्होंने इमोशनल आई फील वहाँ पे चेंज हो, बट ओवरऑल आई फील सेकंड मूवी से बेटर थी बहुत इन माई ओपिनियन। भूलभुलैया 1 विल ऑलवेज बी द बेस्ट, बट या आई फील, मैंने कल ही लाइक भूलभुलैया 2 देखी थी, तो आई वॉज लाइक कम्पेयर टू थर्ड, लाइक थर्ड वाली अच्छी लगी, लाइक फील होता। अच्छा लगा देख के बहुत। और कार्तिक आर्यन जी और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? यस, वो बहुत अच्छी लगी थी केमिस्ट्री, लाइक बीच में सॉन्ग्स आए थे एंड वो रोमांटिक सीन्स हुए थे, आई फेल्ट अच्छी थी बीच बीच में, लाइक आई फेल्ट थोड़ा फास्ट पेस था और दिखा सकते थे बीच में, बट एनी वेज आई फेल्ट वो इट वॉज गुड। आपको देखना चाहिए, फैमिली एंटरटेनमेंट है सब लोग को, फैमिली के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, देखिए। हाँ, ये सवाल सभी लोग कर रहे हैं, आई थिंक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है उनकी, अच्छा काम किया दोनों ने साथ में मिलकर।
द आइकॉनिक सॉन्ग आमी जे तुम्हार, बहुत ही माधुरी दीक्षित आपके लिए क्वाइट अ सरप्राइज रही जी. एक्चुअली वो डांस सीक्वेंस बहुत ही अच्छा था दोनों का, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एक्चुअली. लेकिन जो 200 साल पहले जाकर के उन्होंने पूरा डांस सीक्वेंस बनाया वो बहुत अच्छा था. और स्क्रीन टाइम तो वैसे माधुरी जी के कम था, वो काफ़ी बाद में आई थी पिक्चर में, पिक्चर के अंदर. लेकिन विद्या बालन जी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है शुरू से, शी वॉज देयर. और बाकी कॉमेडी भी अच्छी है. आई थिंक इट्स अ मोर अ कॉमेडी मूवी, लेस अ हॉरर मूवी. हॉरर एलिमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है थोड़ा बहुत था, कुछ सरप्राइज एलिमेंट थे कहीं पे. क्लाइमेक्स थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड से था, मतलब हम कहानी को लेकर चल रहे थे तो कुछ अलग ही वहाँ निकला. कुल मिला के पिक्चर अच्छी है, देखनी चाहिए. और ओवरऑल कितने स्टार देना चाहेंगे? कम से कम 3.5-4 तो मिलना चाहिए ना. थैंक यू मैम. अभी आप भूलभुलैया देख के आए हो, आपको कैसी लगी? भूलभुलैया 3 मुझे डिसेंट वॉच लगी एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2. मुझे ये मूवी, मतलब मैं बोलूँ कि ना, स्टोरी लाइन मुझे इतनी भी वाव नहीं लगी. दिल जीतता है तो सिर्फ क्लाइमैक्स पे आके, मतलब इंटरवल के बाद थोड़ा इंटरेस्ट आता है, बट फर्स्ट हाफ इज़ वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, तो आप थोड़े बोर हो जाओगे उसमें. और कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? Not suitable. I'll tell you, I'm very disappointed with that casting. मुझे उनके साथ सिर्फ क्यारा अडवाणी और कृति सैनन, ये दो ही अच्छी लगती है. तृप्ति के साथ नहीं अच्छी लगी उनकी जोड़ी मुझे. और द आइकॉनिक सॉन्ग आमी जे तुम्हार, वो तो हर फ्रेंचाइजी में रिपीट होता है, बट अपने अपने तरीके से. तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा था, जो डांस किया दोनों स्टार्स ने मिलके, वो भी बहुत अच्छा लगा देखकर दोनों को एक साथ परफॉर्म करते हुए. एंड माधुरी मैम को इतने टाइम के बाद, हमने उनको कब देखा था डोला रे डोला करते हुए देखा था ऐश्वर्या मैम के साथ, अब यहाँ पे विद्या बालन के साथ आमी जो तुम्हार कर रही है. तो मतलब उनका बोल सकते कि यार सॉन्ग इज़ गुड, बट अदर सॉन्ग्स नॉट गुड. मुझे बाकी के एक भी सॉन्ग अच्छे नहीं लगे. नो, एज कम्पेयर टू पार्ट 2 नो. और ओवरऑल कितने स्टार्स देना चाहेंगे? I'll give 3 out of 5. थैंक यू. सो सर, अभी आप बुलबुलैया देख के आए हो, आपको कैसी लगी है फिल्म? मैं बोलूँगा मेरे को ओके लगी है फिल्म, क्योंकि स्टोरी लाइन एज कम्पेयर टू पार्ट 2 बहुत थोड़ी वीक बनाई है. फर्स्ट हाफ तो मतलब थोड़ा डिजोमेटर हो गया था, मतलब ना कुछ कॉमेडी है. उन्होंने एक्टर भी विजय राज फर्स्ट हाफ में दिखा दिए, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, ये सब थे, पर कॉमेडी मुझे कुछ जगह पर कोई मिल ही नहीं रही थी. बस चली जा रही फिल्म और दरवाज़ा खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, बस वही चल रहा था फर्स्ट हाफ में. तो मैं फिर भी मैं वेट किया, बोले कि नहीं माधुरी आ गई है, एंट्री मारी है फर्स्ट हाफ में ही, तो सेकेंड हाफ में तो मज़ा ही आएगा देखने को. और सेकेंड हाफ में बोलो बहुत ही अच्छा बनाया है अनीस वाजपेयी ने. जो कैट फाइट रहते ना बहन लोग में, वही बताया यहाँ पे, जो होता है अपने बॉलीवुड में भी बहुत होता है कैट फाइट, बताया ना वही बताया उन्होंने. और दूसरा उनका जो डांस है आमी जे तुम्हार, जिस तरह से श्रेया घोषाल की आवाज़ में लोग दोनों डांस करते हैं, तो माधुरी ने तो हमको 90s का जोन दिखा दिया. हमारी विद्या वाले ने फर्स्ट पार्ट की जो मंजुलिका था वो याद दिला दिया. और दोनों ने जो डांस परफॉर्मेंस किए है मज़ा आ गया देखे. बोले कि एक वो जो देवदास पिक्चर में था ना, ऐश्वर्या और माधुरी नाच रहे थे, वो जोन वापस दिला दिया. मेरे को लगा ऐश्वर्या का भी देना चाहते कैमियो, आज बर्थडे पे है उनका वो गाने पे, पर ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लगा गाना. कार्तिक आर्यन की मैं बात करूँ, कार्तिक आर्यन तो वही जो जोन में ध्रुव बाबा चल रहे थे वही चल रहे हैं, पर क्लाइमेक्स में तो उन्होंने अपना एकदम अलग ही रोल में आ गए. अनएक्सपेक्टेड सीन था उनका. मैं बोलूँ कि यार कार्तिक आर्यन को लोग बोलते हैं उनको एक्टिंग नहीं आती, कुछ नहीं आती, हर पिक्चर में सेम करते हैं. मैं तो उनको ये साल में चंदू चैंपियन में भी देखा, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने. ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं मिले अलग बात है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि वही सेकेंड पार्ट की जैसे ही करेंगे. पर एंडिंग का सीन में जो आते हो सीन में रोल में, बोले कोई और एक्टर कर ही नहीं सकता था. तृप्ति रिमी को बोलूँगा, अगर अनीस बाज में अगर ये फिल्म में तृप्ति रिमी को नहीं भी लेते ना, उनको हीरोइन नहीं भी लेते ना, फिर भी चल जाता कि उनका कुछ काम ही नहीं है फिल्म में. जैसे आप मेरे सामने माइक लेके खड़े हो ना, वही कर रही हो सीरियस बोल रहे हो, वही कर रही हो वही कर रही हो फिल्म में, सीरियस बोल रहा हूँ. ओके फाइन, मैं बोर्ड कट हो जाएगा थोड़े बाद. और तृप्ति रिमी और कार्तिक आर्यन की जो केमिस्ट्री है वो ऑन स्क्रीन प्रॉपर बताई गई थी? नहीं, एज कम्पेयर टू पार्ट 2 में बोलोगे इतना मज़ा नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 में जिस तरह से क्यारा और इनका था केमिस्ट्री, ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरे को फिल्म में क्यारा ही चाहिए थी. पर जो केमिस्ट्री की बात करूँ, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी वो दोनों की, वो दोनों की लव स्टोरी गाने पे, वो हम नशे के जो गाना था वो कितना अच्छा लगा था सुनने को. यहाँ पे तो दो रोमांटिक गाने रह के भी दोनों का केमिस्ट्री मैच ही नहीं हो रहा है. बस तृप्ति रिमी दांत दिखा के बस वही काम कर रही है. उनको बोलूँगा मैं एक ही चीज़, 30 सीरीज वाले को यही बोलूँगा उनको एनिमल के जोन से बाहर निकालो, कुछ अलग लेके आओ उनको. सीधे से बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी तृप्ति. 3.5 दूंगा, पर कार्तिक के परफॉर्मेंस के लिए मैं 10 में से 10 दूंगा, बिकॉज ही डिजर्व. थैंक यू.